वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश, कैसी है मेरी आर्मी। राफेल जो पिछली बार हमने किया था उसी का अपडेट वर्जन, टॉप 500 क्वेश्चन, 5 क्लास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, और महामैराथन पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। 100 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, बेसिक सवाल होंगे, टॉप 500 क्वेश्चन का एक कलेक्शन करेंगे, एक रिवीजन करेंगे जो आपके लिए होने वाला है एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए। और ये आपका इस महामैराथन में ये पहला क्लास हम आज करने जा रहे हैं। लेवल आपको समझ में आएगा जब आप कंप्लीट पहले से लेके लास्ट तक 100 सवाल फोड़ोगे। और मैं कहता हूं स्टार्ट सब करते हैं लेकिन एंड हमेशा विनर करता है, ये बात आपको डिसाइड करनी है। और आज मेरे शेरों के सपोर्ट में कोई कमी मुझे नजर नहीं आएगी क्योंकि इसका पार्ट 2 मेरे शेर बहुत जल्दी देखना चाहेंगे और वो जल्दी देखने के लिए फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें पार्ट 2 बहुत जल्दी लाने के लिए मजबूर कर देगा। बेटा फटाफट एक बार शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 3K लाइव सोल्जर आपको आज क्लास में करने हैं पूरी एनर्जी के साथ में, और वो आप कर सकते हैं। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करना बेटा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसको ओपन करें, उसके बाद में डिफेंस कैटेगरी में जाइए। आप हमारा ये प्रोफाइल ओपन करिए, सर्च करिए, फॉलो करिए, उसके बाद में आप हमारी फ्री क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेज हमारी अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री क्लासेज होती है। प्लस की क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लस की क्लास के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, ये कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करना होगा। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, देन आपको 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में आप बाकी सारे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है बेटा तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको क्लासेज के जो अपडेट है, टॉपिक है, लिंक्स है, पोल है, वो आपको यहीं पे करवाए जाते हैं, तो ये जरूर से आप ज्वाइन करिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा इससे पहले मेरे शेरों को एक बात बोलना चाहूंगा, जीत के दिखा दो उन लोगों को, जीत के दिखा दो उन लोगों को जो तुम्हारे हार के इंतजार में बैठे हैं कि वो हारेगा, उसका पेपर खराब होगा, वो फेल होगा और हम उसको तारे मारेंगे। जीत के दिखा दो उनको, पेपर फोड़ के दिखा दो। लिख लो कॉपी के साइड में टॉप 100 क्वेश्चन आज अपन जो करने जा रहे हैं, 80+ फोड़ के दिखा दो, लेवल समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस समझ में आएगा, स्कोर समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो आप। आउट ऑफ 100 80+ आपको करके देना है और ये मेरे शेर प्रॉमिस पहले करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बेसिक होते हैं जहां से डायरेक्ट सवाल बनता है बिना ऑप्शन चेंज। लास्ट टाइम राफेल सीरीज ने गदर मचाया था और उसी का ये अपडेट वर्जन है आपका टॉप 500। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है फुल एनर्जी के साथ में, जो गलत हो जाए उसको लिख लो, अपने 100 में से माइनस कर देंगे आपका स्कोर क्या है, लेकिन स्कोर कैलकुलेट जरूर करें, उससे आपका एनालिसिस होगा और एनालिसिस आपको करना पड़ेगा 100%। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है देखिए, और ये आपका मैं टाइम डाल देता हूं यहां पे बेटा 20 सेकंड का। या 15 सेकंड रख दे बेटा, 15 सेकंड रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 15 सेकंड रखेंगे। शाबाश, पहला सवाल और फुल एनर्जी के साथ में फोड़ने के लिए तैयार मेरे शेर। घूर्णन गति में बल आगुण के समरूप स्थानांतरण गति में निम्न राशि होती है। ओहो, बल आघूर्ण, यानी ये कहें कि यहां पे जो वस्तु को गति करवाता है ट्रांसलेटरी मोशन में, स्थानांतरण गति में, उसको जो रोटेशनल मोशन है आपका, जो आपका रोटेशनल मोशन है उसका जो बल आघूर्ण है उसके जैसा लीनियर मोशन में कौन होता है। फुल कंपैरिजन मेरे लाल, बल फोर्स ऑप्शन ए, इधर फोर्स होता है और उधर टॉर्क होता है, वो यू घुमाता है, फोर्स यू घुमाता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
ध्यान दीजिए, सवाल पूरा पढ़िए बेटा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य तुल्य होता है। वाओ, ग्रेट, गजब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश, यस, टाइम अप हुआ बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो वर्क डन होता है वो चेंज, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फटाफट राफेल रफ्तार से उड़ेगा, जबरदस्त लेवल से। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, तीसरा सवाल देखिए बेटा फटाफट। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में आर प्रतिरोध है, एल इंडक्टेंस है, अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंशियल कंडीशन में, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, क्या बात है। जल्दी देखो बेटा फटाफट से, फास्ट जल्दी देखिए बेटा। अगर एलसीआर परिपथ में आर और अगर एल दिया हुआ हो तो वैसे मैंने आपको बताया था बेटा एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर, लेकिन मेरे लाल एक्स सी यहाँ पे नहीं है, केवल एक्स एल बटा आर होगा। एक्स एल का वैल्यू ओमेगा बटा आर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, पहला सवाल जोश के साथ फोड़ेंगे और फोड़ के दिखाएंगे। अगला सवाल मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन आपका पेपर का, श्याम पट पर चौक से लिखा जा सकता है क्यों, क्या रीजन है इसका। शाबाश, फास्ट, ए, अरे वाह मेरे लाल, क्या बात है क्या बात है। श्याम पट पे जब अपन कुछ भी लिखते हैं तो जो चौक होती है वो उस श्याम पट पे यानी ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाती है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड और चाक का जो बुरादा है उसके बीच में जो फोर्स है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स होता है, एडसिव फोर्स। एडसिव फोर्स के कारण वो चाक बोर्ड पे चिपक जाती है। अगर पानी पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बल की बात की जाए तो वह होता है आपका कोहेसिव। याद है कॉन्सेप्ट, अरे मेरे सिर फोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा फटाफट से, ये रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, 2.5 घंटे लगातार 100 क्वेश्चन फोड़ेंगे फुल एनर्जी के साथ में, और ये रिवीजन आप कतई नहीं कर पाओगे अपने लेवल पे अगर गलती कर रहे हो, क्लास छोड़ रहे हो तो। शाबाश, एक लंबी धारावाही परिनालिका में मतलब न्यूमेरिकल भी लिया है, बेसिक न्यूमेरिकल, अक्ष के अनुदिश बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यदि करंट का मान 2 times और नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, बेटा बी बराबर आपका होता है म्यू नॉट एन आई, आपने नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, करंट आपने 2 times 2 से 2 कट गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी नो चेंज बोले तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी भी सवाल को हल्के में मत लेना, पूरा जो आपका फिजिक्स है जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए उनके टॉप 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों का चुनाव करेंगे, अलग से उनका अलग कलेक्शन करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, और उन्हीं का पहला पार्ट आज हम लेके आ गए। देखिए बेटा बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए। यदि एक बीकर को 4 degrees Celsius पानी से भरा जाता है, अच्छा जी पानी बीकर से छलक जाएगा, बहुत बढ़िया, कब छलकेगा, 4 degrees आते ही बच्चे के दिमाग में डेंसिटी बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि 4 degrees वाला वो सवाल डेंसिटी वाला दिमाग में आएगा, लेकिन बेटा यहाँ पे इसके छलकने की बात हो रही है, तो क्या 4 degrees पे ज्यादा छलकेगा, 0 पे कम, क्योंकि उसको उबाल आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों ही स्थितियां हो, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो, बराबर छलकेगा, बराबर बाहर की तरफ गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 0 degrees हो 4 degrees हो, दोनों कंडीशन सेम, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अर्धचालकों में संयोजी बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड में 0 Kelvin ताप पर, वाह भाई वाह, फिक्स क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज मिलेंगे ये सवाल आपको पेपर में, एज इट इज। देखिए बेटा ये कौन सा बैंड है, वैलेंसी बैंड है, और 0 Kelvin ताप की बात हो रही है, 0 Kelvin ताप, ये आपका वैलेंसी बैंड है मेरे लाल, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। अरे 0 Kelvin ताप पे ये मस्त होके सो रहे होते हैं घोड़े बेच के, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी सो रहे होंगे, उनको 1 April बाद में पता चलेगा, अरे पेपर है भाई, काहे का, बोला यार एनडीए का तो होना चाहिए,
एयरफोर्स का भी होना चाहिए, मेरा पेपर है भाई। अरे यार पढ़ना है, 15 दिन बच रहे हैं, कहाँ पढ़ू? फिर आके कमेंट करेगा, गुरु जी कहाँ मैं पढ़ लूँ कि मेरा पेपर 15 दिन में निकल जाए? भाई गोल के पिज्जा, गोल के पिज्जा काम हो जाएगा। ये वैलेंसी बैंड 0 केल्विन पे है और 0 केल्विन पे पूरा का पूरा भरा पड़ा है। इधर ये सीए वाला भरा पड़ा है, ये पूरा खाली है। वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड पूरा भरा पड़ा है, पहला ऑप्शन। और जैसे ही इसको ताप देंगे इधर से, अब भाई साहब निकलेंगे पतली गली से, भागेंगे इधर कंडक्शन बैंड की ओर, फिर बाद में भागेंगे तेजी के साथ में ताप बढ़ाने पे, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, अभी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट सोडियम और तांबे का वर्क फंक्शन, सिलेक्टेड क्वेश्चन। 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इनकी दहली तरंग देर दे। होए 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 गुरु जी, हम तो हल्के में सोच के आए थे कि हल्के हल्के सवाल आएंगे, लपेट लेंगे यूं ही, कतई जहर हो रहे हो आप तो। अरे हाँ बेटा, W नोट बराबर H न्यू नोट, हल्के में नहीं लेना, टॉप 500 है, मजाक नहीं है बेटा। W नोट बराबर एच न्यू नोट, न्यू बराबर बेटा सी अपॉन लेमडा नोट। ये है आपका दहली तरंग देर दे, 3 सोल्ड वेवलेंथ, ये है वो। यानी लॉजिक क्या निकल के आया? लेमडा नोट वाला, यस। तो बेटा ए के लिए कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कतई जहर हो रहे हो। अरे कहा गुरुजी, ऐसे ले लो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो अनुपात लो। लेमडा नोट किसके लिए? सोडियम के लिए। और लेमडा नोट किसके लिए? कॉपर के लिए। जी कहा दिक्कत है, इनवर्स में आया ना, तो सोडियम वाला पहले, ऊपर सोडियम है तो पहले कॉपर वाला लगाओ, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, और उसके बाद में आपका इसका लगा दिया 1.5 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, ये अनुपात में दिया है, ये अनुपात में दिया है, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दी? सोडियम वाला ऊपर चला गया तो सोडियम का नीचे आएगा ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, सोडियम का ऊपर रख दिया मैंने, गड़बड़ रखा है बेटा, अनुपात उल्टा लिख दिया। हाँ अनुपात में आया है मेरे लाल, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे इधर लिखना चाहिए? क्या इसको जूल में चेंज करने का लफड़ा? अरे अनुपात है, कहाँ रहे, हटाओ इसको, पॉइंट हटाओ, 23 दूना 46, 2:1, सर 45 है। अरे कर ले जुगाड़ यार, कर ले जुगाड़, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, चलेगा, अनुपात ही तो पूछ रहा है, का टेंशन ले रहे हैं। अगला सवाल, एक कण नियत कोणीय वेग से वर्तीय पथ पे गति कर रहा है, ये वाला सवाल जो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ बेटा, इसको लिख के रख लो भाई साइड में, ये सवाल कतई नहीं छोड़ना, लिख के रख लो बेटा साइड में, लिख के रख लो। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी चेंज होता है, क्योंकि पी बराबर एम वी वेक्टर, तो मोमेंटम कंजर्वड नहीं हो सकता, मोमेंटम कंजर्वड नहीं हो सकता, केवल और केवल एनर्जी कंजर्वड है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि नियत कोणीय वेग से गति हो रही है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर, केवल एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वड नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टेन बेटा, ये जो रिविजन आज हम फोड़ने वाले हैं, 5 क्लासों में करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे कमांड आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ये हमारा रिवीजन है बेटा। तुमसे मिलना, बातें करना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं सर, है ना? यहाँ पे मोमेंटम पी बराबर दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ऊर्जा, मतलब मोमेंटम को अपन रिलेट कर रहे हैं ऊर्जा के साथ में। अरे गुरुजी ई बराबर एमसी स्क्वायर, अरे वो काइनेटिक एनर्जी में मत जाओ, रुक जाओ, अभी फोटोन की बात हो रही है मेरे लाल। ई बराबर बेटा एमसी इंटू सी, ई बराबर एमसी को क्या लिखा, मोमेंटम पी इंटू सी, क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है, मोमेंटम दिया है, और प्रकार यार मोमेंटम कितना है, 2 × 10⁻¹⁶, और सी क्या है बेटा, प्रकाश का वेग, तो बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो भैया 8 की जगह कितनी पावर कर दो, 10, क्यों, क्योंकि ये CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है। चलो कैलकुलेट करो, 3 × 6⁻¹⁶ है ना, ये −¹⁶ और +10 यानी −6, 6 × 10⁻¹⁶ अर्ग, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्लियर है बेटा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन यस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, फोड़ेंगे मेरे शेर, फोड़ेंगे करके दिखाएंगे, जो उन्होंने ठान लिया है पीछे नहीं हटेंगे,
भाई साहब, और एक चीज और, इस सवाल को इधर पढ़ के खत्म मत कर लेना मेरे लाल, आंसर यहां पे मेरे भाई, यहां से आंसर देना है, कहीं फंस मत जाना। किसी दो की डायमेंशन सेम है, एक जैसी भी माय रखती है। अच्छा गुरुजी, लेवल तो आज तो जहर वाला है ये तो। हम तो हल्के में सोच के आ रहे थे, बोला कॉन्सेप्ट तो हम चुटकी बजाते यू कर देंगे, है ना, यू दुनिया बदल देंगे, ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस है, मैग्नेटिक फील्ड है। भाई साहब गुरुजी, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें सेम है। इसमें ए और डी तो कभी नहीं आएगा। ए और ई, ए क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और ई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र आ गया। और बी और डी, बी क्या है, अपवर्तनांक और डी यंग गुणांक, ये भी नहीं आएगा। सी और ई, सी परावैद्युतांक और ई विद्युत क्षेत्र है। ओहो, अब आया वजह, मतलब जहां पे बच्चा जाए वहीं पे कंफ्यूज हो। ए आपका एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है, और मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करोगे। बेटा ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा आपको, ऊर्जा बटा ई ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व होता है बेटा। अगर आप इसका डायमेंशन अगर अलग अलग सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है तो बेटा एफ बराबर बिल से निकाल लेना, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ऑप्शन बी, बाकी किसी का डायमेंशन सेम नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेट करना है तो मैं करके दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो अपने सॉल्व करके भी लगा देंगे। अगर सॉल्व करके देना है तो बोलो फटाफट से, अगर सॉल्व करके देना है तो बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा फटाफट। ओके, सॉल्व करके देना है क्या, या आगे चलें? अच्छा, ए और बी कर रहे हो, इसका मतलब सॉल्व करके देना पड़ेगा तुम्हारे को। चलो सॉल्व करके देना पड़ेगा ए और बी। चलो मैं ऊर्जा घनत्व निकाल दूं बेटा, एनर्जी डेंसिटी, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा की विमा एम वन एल टू टी माइनस आपका टू, ऊर्जा बटा आयतन एल क्यूब हो जाएगा आपका, तो ये आएगा बेटा एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये तो ऊर्जा घनत्व है। चुंबकीय क्षेत्र का निकालो फॉर्मूला बिल से, एफ बराबर बिल, तो बी बराबर एफ बटा आई एल, एफ का वैल्यू होता है, इसका तो सेम नहीं आएगा, बी तो नहीं आएगा, इसमें तो आई आ गया ना, बी तो नहीं आएगा, गलत हो रहा है, बी तो नहीं आएगा। ए चेक करो, ए और डी, ए और डी क्या है, डी चुंबकीय क्षेत्र, चलो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। बी क्या है, ए और डी यंग गुणांक है, डी में यंग गुणांक निकालो, ये तो नहीं आएगा बेटा, यंग गुणांक निकालो, वाई बराबर फोर्स अपॉन एरिया बटा स्मॉल एल बटा कैपिटल एल, फोर्स का वैल्यू बेटा एम वन आपका एल वन टी माइनस टू बटा एरिया, इसका ये तो कट जाएगा एरिया का एल टू, तो ये हो जाएगा बेटा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ओ माई गॉड, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कतई जहर, बी नहीं होगा, ए होगा। तो ये तो बढ़िया रहा हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो बढ़िया रहा हमने कैलकुलेट कर लिया, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा बेटा, ए आएगा मेरे शेयर, कैलकुलेशन कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन अपना डाउट क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ए आ गया था, आई इसमें आई था ही नहीं, तो यह तो यहीं पे गड़बड़ हो गया था। चलो कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन कर लिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, सरल आवर्त गति में केंद्र की ओर अंकित त्वरण समानुपाती होता है। होए होए होए, केंद्र की ओर अंकित त्वरण SHM में, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, तुक्का मत लगाना गलत हो जाएगा तुक्का। बेटा इंटेंसिटी समानुपाती होता है ए स्क्वायर के, ये मत लगा देना मेरे लाल, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, कहाँ गया ये रहा एक्सेलरेशन, ए ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ याद आया बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, टू पाई एन, एन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर पाई, छोड़ो ना, अपने को इससे मतलब है ना, फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, हल्के में मत लेना ये सवाल, कन्फ्यूज करेंगे और गलत भी करवाएंगे आपसे, कन्फ्यूज भी करवाएंगे और गलत भी करवाएंगे। 3K लाइव करने हैं मेरे सिरो, शेयर करो क्लास को, सपोर्ट करो अपने आप को और अपने टीम को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मात्रक नहीं है, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम का सवाल, इसीलिए मैं इस सवाल को लेके आया हूँ, मोस्ट रिपीटेड, तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जल्दी 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 लपेटो, देखते ही लपेटो, अरे देखते ही लपेटो मेरे लाल, देखते ही, जूल ऊर्जा का यूनिट, कैलोरी ऊर्जा का यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का यूनिट, किलोवाट पावर का यूनिट, पावर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, किलोवाट पावर का यूनिट होता है, ऊर्जा का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
कपूर के टुकड़े। हाय हाय हाय, कपूर आ गया है बेटा। कपूर क्या करता है? आई एम ए डिस्को डांसर। यस, आई एम ए डिस्को डांसर। जी हाँ, जैसे ही कपूर के टुकड़े को पानी में डाला जाता है, वो डिस्को डांसर बन जाता है। कपूर को पानी में डाला, वो कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी इधर, यानी जो कपूर के टुकड़े को डालते हैं तो अनियमित रूप से उसमें सरफेस टेंशन वहां पे क्रिएट होता है, तो ज्यादा टेंशन से कम टेंशन की ओर जाता है, तो वह सतह पर इधर उधर डांस करता है। ड्यू टू रीजन कोई पूछ ले, रीजन वाला सवाल भी बनता है, कोई रीजन पूछ ले, बता देना सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अरे वाह, फोड़ा मेरे शेरों ने, सैल्यूट है बेटा आपकी मेहनत को, बनाए रखना, बस 25 से 30 दिन की बात है, किसी आदर्श केस के आंतरिक वजह। अरे थर्मोडायनेमिक्स गयो भाई आर एस सर, थर्मोडायनेमिक्स गयो भाई आर एस सर, आदर्श केस की आंतरिक ऊर्जा होती है। ओए होए होए, मतलब क्या ही सवाल बोले इसके लिए, है सवाल करने वाला ही नहीं है। आइडियल गैस आते ही तो मतलब खोपड़ा गया। आइडियल गैस बेटा देखो, जो इंटरनल एनर्जी होती है दो की वजह से होती है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, केवल होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो आइडियल गैस बोला तो केवल गतिज ऊर्जा आएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, लाल प्रकाश को उपयोग में लाकर एक विवर्तन चित्र बना लिया, बड़ा अच्छा काम कर लिया, क्या होगा अगर लाल प्रकाश की जगह नीला प्रकाश लगा देंगे? भाई साहब तांडव होगा पक्का, क्या होगा? तांडव हो जाएगा। लैंग्वेज देख लेना मेरे लाल, लैंग्वेज देख लेना, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, बीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली लेमडा, याद कर ले मेरे लाल। VIBGYOR, रेड की जगह क्या ले रहा है तू? रेड की जगह ब्लू कलर, यानी रेड से ब्लू पे आ गया, लेमडा घट गया, लेमडा घट गया, बीटा घट गया, फ्रिंज चौड़ाई घट गई, गलत, फ्रिंज चौड़ाई सकरे पास पास हो जाएंगे, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, दूर दूर नहीं, गायब हो जाएगा, कतई नहीं, पास पास आ जाएंगे, लेमडा घटेगा, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, ऑप्शन आपका बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी राशियां उचित मात्रकों में प्रदर्शित नहीं है? ओए होए होए, ओए होए, नजर ना लगे भाई सवाल को, नजर ना लगे बेटा, निम्न में से कौन सी राशियां उचित मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई है? होए 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 होए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर बोला, सरफेस टेंशन बराबर बोला, प्रेशर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर बोला, एनर्जी बराबर केजी इंटू मीटर पर सेकंड गलत बोला, ये मोमेंटम का यूनिट है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ऊर्जा का मात्रक होता है बेटा जूल, है ना, या अगर आप इसको निकालोगे तो फिर आपका केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में निकालोगे, ऊर्जा के रूप में निकालोगे, सॉल्व करके निकालोगे, यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक जूल आना चाहिए, ठीक है। चलो तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, जो ऊर्जा का मात्रक सही 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 मात्रक प्रदर्शित नहीं है, वो है आपका सी ऑप्शन, और मेरे शेरों ने सी फोड़ा है, कमेंट में स्पेम आता है, यही है हमारा रिवीजन, यही है हमारा रिवीजन, इसे ही कहते हैं रिवीजन करना। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। हाय 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 हाय, कहा मेकअप कर रहे हैं गुरु जी, थोड़ा मॉर्निंग वो कर लेते हैं क्यों, चलो चलो साइक्लोट्रॉन, पहले साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2πm बटा क्यूबी, फ्रिक्वेंसी बनाना है, उलट दे मेरे लाल, क्यूबी बटा 2πm, डिपेंड नहीं करता है मास पे, करता है चाल पे, ओए होए होए पकड़ा गया चोर, स्पीड पे नहीं करता है, चार्ज पे करता है, चुंबकीय क्षेत्र पे करता है, चाल पे नहीं करता, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। है ये है अपनी आर्मी, वाह मेरे लाल, पहुंचा दिया तुमने अपनी आर्मी की रेंज पे। अगला सवाल आ जाओ, मनुष्य दृष्टि विषम्य दोष से पीड़ित है। अरे यार, कल शायद मैंने एक सवाल प्लस वाले बच्चों पे करवाया था, ये वाला सवाल दृष्टि विषम्य दोष है। अरे भाई साहब, बेचारा खड़ा आड़ा तिरछा अंतर ही नहीं कर पाता है,
मतलब इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाता है, कॉर्निया गोल नहीं होता है जी, कॉर्निया गोल नहीं होता, और इसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। अरे इसका उपचार बताओ रे कोई, इसका उपचार बताओ, ये जो दृष्टि वैषम्य दोष, इसका उपचार क्या है, इसको कैसे दूर करेंगे, कमेंट करो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से कमेंट कर दो और फिर अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, एल आर के श्रेणी क्रम विभव जोड़ा गया है, प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर 200 वोल्ट है, एल के सिरों पर विभवांतर 150 वोल्ट है। हाय हाय हाय, कतई जहर हो रहे हो गुरु जी, न्यूमेरिकल भी दे रहे हो एक एक लाइन वाले। हाँ काहे नहीं दूंगा, न्यूमेरिकल दूंगा ना, तो वी बराबर अंडर रूट बेटा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तो तुम्हारे को दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन करो ना, आर का वैल्यू 200 का स्क्वायर। सर बड़ी कैलकुलेशन है, दिमाग खराब है, करेगा मेरे शेर, काहे डर रहा है, फोड़ ना, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 40,000, ये हो गया 15,225, ये 22,500, ये हो गया 62,500, 62,625 का अंडर रूट, 2500 का अंडर रूट, 10, 250 कहाँ पे रहे, लपेट दे मेरे भाई, ऑप्शन बी, कैलकुलेशन करने का, फोड़ने का, रिजल्ट निकालने का, सेम कॉन्सेप्ट है इम्पेडेंस वाला, प्रतिबाधा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, नाभिकीय भट्टी टॉप क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का, नाभिकीय भट्टी में क्या कंजर्व रहता है, एक दो दिन पहले ही करवाया होगा अगर आपको याद है तो, एक दो दिन पहले ही करवाया है अगर आपको याद है तो, फटाफट सब चीजें कंजर्व होगी, मोमेंटम एनर्जी और मास, एंड ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया गजब का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आगुण शून्य होगा, ओए होए होए, बल आगुण शून्य हो तो, बल आगुण शून्य हो तो क्या होगा, जल्दी देखो बेटा, शाबाश, बल आगुण शून्य हो तो क्या होगा, क्या बात है क्या बात है, अरे मैं रिलेट करता हूं रे मेरे लाल, एफ बराबर डेल पी बटा डेल टी, मेरे भाई अगर फोर्स जीरो है तो डेल पी बटा डेल टी, यानी डेल पी बराबर जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो, यस और नो, यानी मोमेंटम पी कांस्टेंट, यस, कर मेरे भाई कॉपी, ये रोटेशनल मोशन है, बल आघूर्ण, टॉर्क जीरो यानी टो जीरो, ये अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो डी जे बटा डी टी, जे या ए लिख लो, अगर ये जीरो है तो बेटा डी जे बराबर जीरो, या इसको मैं लिख सकता हूं डेल जे बराबर जीरो, इसका मतलब जे कांस्टेंट हो गया, और अगर जे कांस्टेंट हो गया तो जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके के सवालों को जब फोड़ोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा टॉप लेवल पे, ऑप्शन बी। इसका पूरा कॉपी करके चिपकाया है, क्योंकि अभी अभी मैं बता के आया हूं, लीनियर मोशन में फोर्स और रोटेशनल मोशन में टॉर्क बराबर होते हैं, आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, शाबाश, भारूण धारण का उपयोग किसमें नहीं होता, कहां पे भारूण धाराओं का उपयोग नहीं किया जाता, ये चेक करो जल्दी से, शाबाश, भारूण धाराओं का उपयोग नहीं होता, फोड़ो रे कार है जल्दी से, चल कुंडली धारा मापी, जी हाँ, विद्युत ब्रेक, जी हाँ, प्रेरकत्व मोटर में, इंडक्शन मोटर में, लेकिन डायनेमो में, डायनेमो में नहीं आता, भंवर धारा एडी करंट का यूज डायनेमो में नहीं है, डायनेमो में फ्लक्स में चेंज होता है, धारा जनरेट की जाती है, फ्लक्स में चेंज होता है, करंट जनरेट किया जाता है, ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर, जहां पे एडी करंट का उपयोग नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है बेटा, निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पे किसका प्रतिरोध घटेगा, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड मेरे शेरो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, प्रतिरोध घटता है, शाबाश, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, केवल और केवल सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर, गलत गलत गलत, केवल और केवल सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बेटा 1/4 हिस्सा, यानी 100 में से 25 क्वेश्चन फोड़ दिए, लिख लो टारगेट, 1/4 में कितना गलत कितना सही, टुकड़ों में कैलकुलेशन करो, गोल पे भी पहुंच जाएंगे फटाफट में, फटाफट में गोल पर भी पहुंच जाएंगे। यदि एक कण नियत चाल से आर त्रिज्या की अर्धवृत्त पे दूरी तय करता है, ओए होए बेटा, कल परसों इवनिंग वाली क्लास का सवाल है, कल परसों इवनिंग वाली क्लास का सवाल है, हाफ सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है आर त्रिज्या के अर्धवृत्त पे, तो बराबर दूरी पे तय करता है, इसका मोमेंटम इधर एम वी है, इधर इसका मोमेंटम एम वी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो चेंज इन मोमेंटम बेटा एम वी,
और ये माइनस और माइनस माइनस डायरेक्शन अपोजिट है प्लस एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv होता है, तो मोमेंटम में चेंज एम वी आर गलत, गतिज ऊर्जा में चेंज 1/2 mv स्क्वायर नहीं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन एम वी स्क्वायर नहीं, इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर इधर और इस तरह इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, चेंज करो इसमें से ये घट गया, अंतर जीरो आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर था वो नीचे है, क्यों, नियत चाल यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फास्ट, किसी समरूप प्रेरित चुंबक के क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम की स्थितिज ऊर्जा का मान, ओए होए होए होए, क्या यार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा हूं है, डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे भाई 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 भाई, U बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा होता है मेरे लाल, अरे माइनस लगा तो वेक्टर लगा दे, पहला ऑप्शन लपेट मेरे भाई, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है मैंने, कार्य पूछ लेगा 180 पे घुमाने के लिए, पेपर का सवाल है, याद है क्या 180 पे घुमाने के लिए किया गया कार्य 2 mv इसी डाइपोल को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त बेटा, 27, सरल आवर्त गति कर रहे कण का, अरे यार सरल आवर्त गति करता है, मीन पोजीशन है, यहाँ पे ए मैक्सिमम होगा वी मिनिमम होगा, यहाँ पे वी मैक्सिमम होगा ए मिनिमम होगा, बताओ दोनों अंतिम स्थितियों पे त्वरण अधिकतम होता है, कतई जहर बात बोल रहे हो, सही है, अंतिम अवस्थाओं पे वेग अधिकतम गलत, संतुलन अवस्था में त्वरण अधिकतम गलत, वेग अधिकतम होता है, दोनों अंतिम स्थितियों पे त्वरण शून्य होगा गलत, पहला ऑप्शन राइट आंसर, पहला ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर, कमेंट पे फोड़ रहे हैं बच्चे ए, शाबाश। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, F1 और F2 दिया गया है, अदिश गुणनफल करके इसका परिमाण निकालो जल्दी से, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अदिश गुणनफल करना है फटाफट, मैग्नीट्यूड निकालना है, फुल एंड फायर जोश के साथ में फोड़ो, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ नहीं है, और ये आपका जे जे का जे भी नहीं है, पांचों का 20, केवल 20 आंसर आएगा बेटा, 20 आंसर आ रहा है इसका, 20 ऑप्शन ए में आ रहा है, केवल ऑप्शन ए 20 आंसर आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए 20 आंसर आ रहा है, केवल 20 आंसर ऑप्शन ए, ए ऑप्शन यस और नो, जी हाँ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुंबक का चुंबक के आगुण एम है, ध्रुवा प्राबल्य एम है, यदि इसे 3 बराबर भागों में तोड़ के टुकड़े कर दिए जाए, प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव सामर्थ्य होगा, कतई जहर, सवाल पूरा ढंग से पढ़ लेना, जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जोश की कमी नहीं बेटा, आज अगर ये क्लास मिस कर गए ना, सच बता रहा हूँ, राफेल का अपडेट वर्जन है, 500 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे लाल, उसका पार्ट वन है रिवीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का, छांट के जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसे 500 क्वेश्चन छांट के निकाल के उनका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जो एग्जाम पे बहुत ज्यादा, पिछली बार राफेल ने गदर मचाया था, उसी तरीके से इन सवालों को अपने एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं, एक बार मैग्नेट है, इसके कितने ही टुकड़े कर लो, इसका पोलर स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होता, इसका ध्रुव सामर्थ्य कभी चेंज नहीं होता, ऑप्शन सी, अगर ये बार मैग्नेट है, अगर उसको लंबाई के अनुदिश काट दें तो उसका पोलर स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, ऐसे काटते हैं तो चेंज होता है, 3 बराबर टुकड़ों में काटने से पोलर स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्लियर बेटा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई पद्धति में इकाई है, ओए अरे वाह भाई वाह, फोड़ो बेटा, तापमान की एसआई पद्धति में इकाई बता दो जल्दी से, एसआई पद्धति में यूनिट, अरे फोड़ मेरे शेर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी केल्विन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पावर कंजप्शन निकलवा रहा आपसे हैं गुरु जी, अच्छे अच्छे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी, छुटकु छुटकु न्यूमेरिकल भी ला के आए हो, जी हाँ, वन लीनियर न्यूमेरिकल भी हैं, शाबाश। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला पी बराबर वी आई, वी आई पी वाले लोग, वी आई पी, जी हाँ, वी बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर,
पी बराबर, लेकिन अपने पास क्या आई दिया है? नहीं, अपने को तो वी दिया है। क्या कर रहे हो रे? आई इक्वल टू वी बटा आर रखो तो वी स्क्वायर बटा आर ये काम में आएगा अपने। जी हाँ, वी का वैल्यू 30 × 30, आर का वैल्यू 10 ओम, कट गया 30 × 30 = 90 वोट। 90 वोट कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे 90 वोट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 32। वी वेग से गति करता हुआ अहम द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान वाले स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ये सवाल घुमाएगा इधर से आपको, 3-4 सवाल बनाएगा। पढ़ना पूरा पूरा पढ़ना, ये सवाल आपको 3-4 लेवल पे घुमाएगा, है ना? पहले पिंड का वेग, दूसरे पिंड का वेग। लेकिन नोटिस करना, इस तरीके के सवालों में दोनों पिंडों का मास सेम होगा। वी वेग से गतिशील एम द्रव्यमान का एक कण एक ऐसे समान द्रव्यमान के पिंड से टक्कर करता है, और कोलिजन कौन सा हो रहा है? प्रत्यास्थ टक्कर। तो बेटा ये पहले वाला रेस्ट में था, ये इधर वाला एम द्रव्यमान का आके इससे टक्कर करता है, तो ये तो अगर वेग वी से आता है तो ये तो वेग वी से आगे चला जाएगा और ये बेचारा इधर रेस्ट में हो जाएगा, तो इसका वेग कितना होगा? 0। और इसका वेग क्या हो जाएगा? वी। तो ये देखो क्या पूछता है, पहले पिंड का वेग 0, इसी सवाल में दूसरे पिंड का वेग v, यही सवाल सेम क्वेश्चन पेपर में। ये चीज आपको तैयार करनी है, ये गलतियां नहीं करनी। दूसरे का पूछता तो सेम वेग से आगे चला जाता, पहले का पूछा तो 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। अगला सवाल आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बेटा फटाफट से, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स निकलवा रहा मेरे गुरु। जी हाँ, फ्लक्स निकलवा लिया। फ्लक्स में क्या दिक्कत हो रही है? तो भाई फाई बराबर निकाल देंगे ना बी ए। अरे बी कितना दिया है? एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक एरिया कितना है जी? 2 वर्ग मीटर। अरे क्या मजाक कर रहे हो गुरु हमारे साथ, हैं? क्या चेक कर रहे हो? फॉर्मूला चेक कर रहे हो क्या? फॉर्मूला आता कि नहीं आता बच्चे को? अरे पेपर देना बेटा, आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन केवल फॉर्मूला पुट करके बिना पेपर पेन सॉल्व करोगे, और अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया तो आप बात आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन, 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए, ये क्वेश्चन आपका माइंड चेक करेंगे जहाँ पे बच्चा फड़फड़ाएगा। और बेसिक सवाल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 5-7 क्वेश्चन होंगे जो आपको चेक करवाएंगे, आपका माइंड चेक किया जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, है क्या दिक्कत है यार, क्यों परेशान कर रहे हो? ओजोन परत की जैविक उपयोगिता है। ओए होए होए होए, ओजोन परत आने वाले सूर्य की प्रकाश की किरणों से जो जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरण उनको रोकती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। मेरे को एक सवाल समझ में आ रहा, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, भाई साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? मुझे अभी का अभी कमेंट चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है ये ग्रीन हाउस प्रभाव? जल्दी बताओ, किसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्यों? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। इंफ्रा रेड जो किरणें हैं, अवरक्त वो किरणें हैं, वो वापस पृथ्वी से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसकी वजह से यहीं पे रुक रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। याद रखना, ये सवाल बनाया जा सकता है पेपर में, ये वाला सवाल, ठीक है? चलो सोप बबल है बेटा, सोप बबल है, साबुन का बुलबुला है मेरे लाल, गलत मत करना, सोप बबल है, फोड़ के रख देंगे सोप बबल। ओके बहुत बढ़िया, साबुन के बुलबुले के बाहर और भीतर, अरे सोप बबल पे डेल पी बराबर 40/r, अगर वाटर ड्रॉप है तो 2t/r, सोप बबल है तो 40/r, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरे हाय हाय हाय, क्या बात है, कतई जहर हो रहे हो गुरुजी, क्या सवाल बना दियो हैं ये सवाल। अरे ये क्या हो गया, 35 हो गया ना, ये 36, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सोचा कि ये डबल क्लिक तो नहीं हो गया कहीं। देखो जरा, किसी पृष्ठ से क्षेत्रफल ए और उससे कुल निकलने वाला फ्लक्स बी, अरे चुंबकीय प्रेरण, कहाँ आवाज लगा रहे हो? फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर डॉट हटा देंगे तो फाई बराबर बी ए कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो एंगल को नहीं फंसाने का। तो बेटा बी बराबर फाई बटा ए, बी बराबर फाई बटा ए, फाई बटा ए, ये मत लगा देना मेरे भाई, कहीं डॉट वाला
डॉट प्रोडक्ट रटा हुआ हो और कहीं डी ऑप्शन चिपका दो तुम, ऐसा मत करना मेरे लाल, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना मेरे भाई, ये गलती मत करना। ये वाला सवाल बताया हुआ है, फोड़ दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37। अरे मेरे लाल इतना पता करना है, ये टोटल एनर्जी है, सुनने में आया है टोटल एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में बदलना है तो टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑप्शन बी। ये मेरे लाल रिलेशन याद कर ले, फोड़ देंगे पेपर में कोई भी सवाल बनेगा तो। टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगाते ही काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाशीय फाइबर तंतु का लाभ है, अरे यार ये सवाल तो मैंने शायद शाम को करवा दिया आपको, शाम वाली क्लास में, देखो जरा शाम वाली क्लास में रिवीजन सीरीज में करवाया ये सवाल आपको, अगर याद है तो। ऑप्टिकल फाइबर का क्या बेनिफिट है बेटा, देखो ऑप्शन डी, हाई बैंडविड्थ आ जाएगा, मैक्सिमम डाटा ट्रांसमिशन आ जाएगा और कोई भी उसमें लॉस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देखो बेटा, देखो लिखना पड़ेगा, दिल करता है, लिख लो, लिख लो बेटा, शाबाश। समतल उत्तल लेंस के 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ एक उत्तल सतह है कि वक्रता त्रिज्या r हो, उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या r हो तो बताओ उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अगर बेटा समतल उत्तल दिया हुआ है ना तो उसकी फोकस दूरी, उसकी जो वक्रता त्रिज्या उसके बराबर होगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन 1 आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। आप इससे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसका जुगाड़ ये है कि बेटा जो उसका रेडियस दिया गया ना वो उसकी फोकस दूरी के बराबर होगा। मैंने ये फॉर्मूला आपको लगाया, आप इससे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना तो जुगाड़ ये है कि जो उसका रेडियस देगा वही उसकी फोकस दूरी आएगी। अगर कांच के लिए बात हो रही है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक फिक्स होता है 1.5, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, डायरेक्ट आंसर लगा देना, नहीं तो अगर आप सॉल्व करो R1 R2 का वैल्यू रखो, म्यू का वैल्यू 1.5 रखो और सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर भी आपका बी ऑप्शन आएगा। लेकिन थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं तो ज्यादा मैं टाइम इसमें नहीं लूंगा। निम्न में से किस तरंग द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, एनर्जी प्रोपोगेशन नहीं होता है। नाम ही इसका बदनाम है भाई, अब क्या करें, नाम ही कुछ ऐसा है। एक होता है प्रोग्रेसिव, जो बेचारा एनर्जी अपने साथ लेके जाता है, एक होता है ट्रांसवर्स, जैसे लाइट वेव बेचारा एनर्जी लेके जा सकता है, एक पूरा ही आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आ गया, बेचारा एनर्जी लेके जाता है। लेकिन जब बात होती है स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंगों की, तो भाई मेरे वही डेफिनेशन ही यह है, जिनमें एनर्जी का प्रोपोगेशन होता ही नहीं है, ऊर्जा संचरण ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, ओ हो, यहाँ फंसने वाले हैं बच्चे, यहाँ फंसने वाले हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होने वाला है केवल अनावेशित पिंडों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए। देखो बेटा सभी पिंड, अपन यहां पे आकाशीय पिंड राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा क्योंकि उसमें ये भी आता है, लेकिन एक चीज अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे सी और डी में, क्योंकि सभी पिंडों में जो पृथ्वी पर है वो भी आ गया और जो अंतरिक्ष में वो भी आ गया। अब इसमें इस पॉइंट को ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाएगी, क्योंकि बेटा जो आपका ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये बहुत बड़ी वस्तुओं पर लगता है, छोटी मोटी वस्तु इन पर बल नहीं लगता है। तो अगर किसी बुक में सी ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जा रही है तो जो मैंने रीजन दिया वो है, और अगर इस रीजन को साइड में रखें भाई, कहें भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, अब छोटी वस्तु तो बहुत कम लग रहा है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको फील नहीं होता लेकिन बल तो लग रहा है, ये बात हकीकत है, तब डी आंसर लगा दिया जाता है। ये दोनों आंसर आपके सही हैं, चाहे डी हो चाहे आपका सी हो, दोनों आंसर मिलेंगे, मैंने दो बुक में अलग अलग ये देखा है, सी और डी दोनों सही मिलेंगे आपके आंसर।
ठीक है, दोनों का अलग अलग संदर्भ है सी और डी सही करने का। ठीक है चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल सेल्सियस पैमाने में, हाँ आएगा मजा। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का रीजन है यहां पे जाल बिछा होता है और बच्चे फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं इस सवाल में, चैलेंज कर रहा हूं, गलत करेंगे बच्चे इसको, भूल जाते हैं। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो तुम, सेल्सियस पैमाने पे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है फारेनहाइट पे। अरे मेरे लाल, सी माइनस 0/100, एफ माइनस 32/180। होए होए, अगर ये सेल्सियस डिग्री मतलब सेल्सियस पे जो डिफरेंस है तापांतर वो 5 है, तो इस पूरी की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा 5/100। तो बेटा ये फारेनहाइट में कितना होगा डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस कितना होगा जरा निकाल के बताओ। गुरुजी क्या कर रहे हो, ये दो 20 और ये 0 और ये 2 से 18 कट गए, 9 को सामने मल्टीप्लाई कर दो तो 9 = f - 32 आ रहा है, f - 32 आ रहा है। अरे तो तापांतर पूछ रहा है मेरे गुरु, यानी f - 32 का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। जैसे c - 0 यहाँ पे कितना दिया था 5, अपने c - 0 की जगह 5 रखा, वैसे f - 32 की जगह क्या रख सकते हैं, 9 रख के देख लो आंसर आ जाएगा, उल्टा रिवर्स कैलकुलेट करके देख लो आंसर मैच हो जाएगा आपका। तो बच्चा ये नहीं करना मेरे बात, मेरा क्या है तापांतर, हाँ मैं ये पूछूं फारेनहाइट में कितना होगा, तो फिर इधर आओ 32 को इधर लाओ और फिर आप 41 लगाओ। अगर मैं फारेनहाइट में वैल्यू पूछूं तो, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं मैंने डिफरेंस पूछा है, फारेनहाइट में मैंने डिफरेंस पूछा है, और यहां पे बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद में नहीं करेंगे। लाइक बटन ठोक के बताओ पूरी एनर्जी के साथ में, सर आगे से ये गलती नहीं होगी, ईमानदारी के साथ में प्रोमिस करो मेरे साथ। 43 प्रत्यास्था सीमा से अधिक बल लगा देंगे, अरे रिश्ता टूट जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी मेरे भाई है। 43 जल्दी करो, हमेशा हमेशा के लिए तू तेरे घर में मेरे घर, पदार्थ की स्थायी विकृति आ जाएगी परमानेंट। अगर कोई धागे को लिमिट से ज्यादा खींचोगे टूटने के बाद वो वापस जोड़ोगे तो गांठ लग जाएगी, वो बात नहीं रहेगी। मतलब यह है अगर उसको एक इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच लिया तो वापस अपनी पहले वाली स्थिति में लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसको खींच दिया है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहलाएंगे यदि इन्हें प्राप्त करें, कला संबद्ध सोर्स, यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है ना, क्या किया था उसने, यस शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश बेटा। अगर अगर मैं यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद दिलाऊं तो उसने एक ही लाइट सोर्स लिया था और उसके आगे एक पर्दा लगाया था और उस पर क्या बनाए थे, उसने दो होल बनाए थे, एक ही लाइट सोर्स से दो सोर्स बनाए थे, एक ही पॉइंट सोर्स से उसने दो सोर्स बनाए थे और वो दोनों कला संबद्ध थे, एक ही स्रोत से उसने दो स्रोत बना दिए। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक ही स्रोत का प्रयोग करके दो सोर्स बनाए थे, यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर, क्या बात है जल्दी करो, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 45, हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन फोड़ दिए यानी 2 घंटे में क्लास फिनिश, क्या बात है, स्पीड राफेल वाली है आज, 2 घंटे में क्लास फिनिश। वायुमंडलीय दाब पर ठोसों का पिघलना कहलाता है, समायतनिक परिवर्तन, समदाबीय यानी आइसोबैरिक चेंज प्रोसेस आपका, यह आपका हो गया समदाबीय समतापीय दोनों, या आइडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर बात करते हैं बेटा अपन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे अगर कोई ठोस पिघलता है तो बेटा उसमें समदाबीय और समतापीय दोनों स्थितियां होती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है तो बर्फ का टेम्परेचर वही रहता है जो पहले था, है ना, स्टेट सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और वहां पे प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बोथ आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल चेंज, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल बेटा लिख के रख लो, 3 सवाल पूछूंगा, तीनों के जवाब मुझे अभी का अभी चाहिए, 3 सवाल पूछूंगा, तीनों के जवाब मुझे अभी का अभी चाहिए। चलो फोड़ते हैं, पहला सवाल,
स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? स्टील से। परमानेंट मैग्नेट किससे बनाते हैं? स्टील से बनाते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाया जाता है? जल्दी बताओ, सॉफ्ट आयरन से। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाया जाता है? सॉफ्ट आयरन से। दूसरा सवाल, यहाँ पे स्थायी चुंबक स्टील का बनाते क्यों? रीजन उसी सवाल का मेकअप है। क्या? ऊर्जा का ह्रास कम होता है, स्टील का घनत्व अधिक होता है, स्टील के लिए अवशेष चुंबक तो अधिक होता है, या साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ये नष्ट कर देता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्पेशल क्या था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सॉफ्ट आयरन से बना रहे और परमानेंट मैग्नेट स्टील से बना रहे हैं? मतलब कि परमानेंट बनाना है, और बाहर से कोई आए, कोई चुंबक आए, लो जी इसका मैग्नेटिज्म खत्म कर दो, बोला का ये खत्म कर दो भाई, स्टील से जो बनाया है, यानी ये अपने चुंबकत्व को परमानेंट बनाए रखता है। इतना इजी नहीं है इसको डीमैग्नेटाइज करना, यानी साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसके चुंबकत्व को खत्म नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी, सी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा बेटा। अवशेष चुंबकत्व का तो मतलब ही नहीं है कि शेष चुंबकत्व ज्यादा है, हम उसको डीमैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं ना, परमानेंट मैग्नेट, इसलिए बोल रहा हूं। हमें उसको बढ़ाना घटाना है ही नहीं, वो काम तो इसका है, सॉफ्ट आयरन का। करंट फ्लो करो, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, करंट फ्लो रोका, मैग्नेटिज्म खत्म, वो तो सॉफ्ट आयरन का काम है, उसको तो परमानेंट है बेटा। 500 केजी है, 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से ऊपर उठती है, केबल में टेंशन तनाव, फोड़ो रे फटाफट, बिना पेपर पेन के फोड़ के बताओ, नैनो सेकंड में, जल्दी से। लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे? ऊपर जा रही है। टी बराबर एम जी प्लस ए, तो एम, एम का वैल्यू कितना है रे बोलना, एम का वैल्यू 500, जी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू 2, 10 और 2 12, मैं डायरेक्ट रखूँगा 12, 12 पंजे 60, 20 यानी 6000 न्यूटन। ऑप्शन ई, बिना पेपर पेन, बिना पेपर पेन के सॉल्व करना है ये सवाल, गजब। आगे आ जाओ, 48 समान धातु के दो गोलों को आवेशित करने पे होए आएगा मजा, समान द्रव्यमान के धातु के दो गोलों को आवेशित करने पर, क्या बात है बेटा, समझना जरा मेरी बात, गजब का कॉन्सेप्ट है, जहर लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक गोला, एक दूसरा गोला, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी मास की कमी हो गई, आपने इलेक्ट्रॉन दिया यानी मास की वृद्धि हो गई, ऋणावेश वाले का द्रव्यमान बढ़ गया, धनावेश वाले का द्रव्यमान घट गया, धनावेश वाले का द्रव्यमान अधिक होगा, धनावेश वाले का द्रव्यमान अधिक होगा, गलत, दोनों का द्रव्यमान समान होगा, गलत, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, जी हाँ, आपने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी गोले का द्रव्यमान बढ़ गया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी को आपको राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक करना है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी को राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक करना है। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी, एक संचार निकाय में किस स्थान पे शोर सिग्नल सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? फिक्स सवाल है बेटा, कम्युनिकेशन का फिक्स सवाल, आपका डायरेक्ट सवाल, फोड़ के रख देंगे सब, फिक्स सवाल है, शाबाश, फिक्स सवाल आपका। एक संचार निकाय में किस स्थान पे शोर सिग्नल सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? ये ट्रांसमिशन और ये आपका रिसीवर, यहां से जब सिग्नल जा रहा था तो बीच में से शोर आया, हेलो हेलो लपेट गया, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चैनल मीडियम में, संचरण लाइन में। ऑप्शन, ये तो गलत है भाई साहब, ये तो सवाल ही गलत है आपका, ये सवाल गलत है नीचे वाला बेटा, ठीक है, ये हिंदी हिंदी वाला सवाल था, इंग्लिश वाला सवाल गलत था आपका, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50, कैथोड किरणें समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करती है, चुंबक के क्षेत्र में उसका मान होगा, परपेंडिकुलर एंटर कर रही है चुंबक के क्षेत्र, कैथोड किरणें हैं, अच्छा 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 कैथोड रे, ओके ओके ओके, कैथोड रे है बेटा, कैथोड किरणें हैं, बेटा कैथोड किरणों पे क्या होता है, चार्ज क्या होता है? अगर मैं कैथोड किरणों पे चार्ज की बात करूं तो वह चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी वो इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है, कैथोड किरणें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का पुंज, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वह कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, सॉरी
सर्कुलर मोशन कहाँ है, ये रहा, सॉरी ये गलत है, सर्कुलर मोशन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, सर्कुलर मोशन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 50 क्वेश्चन क्लियर बेटा, अरे जोश क्लियर, 50 क्वेश्चन आपके, अभी 50 और फोड़ देंगे, कितनी मिनट, 55 मिनट और जोड़ दो, लपेट देंगे तुम, टेंशन नहीं लो, फटाफट 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, फोड़ देंगे, 2 घंटे भी नहीं लेंगे बेटा, शेर फोड़ देंगे अभी देखो तुम। 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण के लिए किसी दिए गए वेग की अपरास अधिकतम होती है, अपरास न्यूनतम होगी यदि प्रक्षेपण कोण। अरे यार क्या तुम बिना क्या बात कर रहे हो, ये मैक्सिमम पे फेंकना है तो 45 डिग्री पे फेंको, रेंज के लिए यार बता रखा है, अगर रेंज मिनिमम करना है तो परपेंडिकुलर फेंकना, जहाँ फेंकेगा वहीं आके गिरेगा, क्या कैलकुलेशन, कहेगा फॉर्मूला जाए भाड़ में, उधर फेंको वापस वहीं आके गिरेगा, रेंज 0 90 डिग्री पे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके बेटा चलो, कोई फॉर्मूला नहीं है, देसी जुगाड़ अपना। 52 निम्न युग्मों में से वह युग्म चुनिए जिसकी बीमारी समान नहीं है, कौन है रे वो बदनसीब, निकालो बाहर। ओए दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है, क्या जड़त्व आगुण और बल आगुण इनका सेम है, इनका सेम है, इनका सेम है, जड़त्व आगुण बेटा आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है ना, और वो हो गया बल आगुण, तो बराबर बल इंटू विस्थापन, या कह सकते हैं जूल, इसकी डायमेंशन होगी बेटा एम वन एल टू टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन होगी एम वन एल टू, तो इसमें डिफरेंस है, ऑप्शन बी विल बी राइट है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया और टॉर्क अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 53, किसी तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पे, ओए होए होए होए, तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे क्या होगा, तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे क्या होगा, जल्दी देखो बेटा। अरे मेरे भाई वायर है, तार है, कंडक्टर है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, कंडक्टर यानी चालकों का पड़ता है, तार यानी चालक है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, इंक्रीज कर जाएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 54, 100 वाट का बल्ब जो 250 वोल्ट पर कार्यशील है इसका प्रतिरोध होगा, अरे फोड़ मेरे भाई, फॉर्मूला बता चुका हूँ तेरे को, तू फोड़ के दिखाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, अभी बताया था, वी स्क्वायर बटा पी, वी कितना है बेटा, 250 बटा पी कितना वोट है, 100 वोट है, 20 25 625 625 625 625 625 गया, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, यस, जल्दी करो बेटा, शाबाश। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, अभी स्टार्ट हुई है आग लगना, अरे अभी तो आग की स्टार्टिंग हुई है। एक ट्रक और कार समान वेग से गतिशील है, यस, टॉप क्वेश्चन, ट्रक और कार समान वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने पे दोनों कुछ दूरी पे जाकर रुक जाते हैं, क्या रीजन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन बेटा, बहुत ही गजब क्वेश्चन आपका, बहुत ही गजब क्वेश्चन, जल्दी से देखिए सवाल को, समझिए, टॉप लेवल पे बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब का कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर इसको गलत करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में सवाल को सॉल्व करना, जिन बच्चों ने गलत किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बताऊं कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ये मान लो कि आपने उस पर ब्रेक लगाया, यानी आपने बल लगाया, और बल लगा के आपने उसको रोकने के लिए क्या किया, कार्य, तो जो मैंने कार्य किया वह कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, जो आपका वर्क एनर्जी, जो पावर में आपको जो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम जो कॉन्सेप्ट दिया था, कार्य ऊर्जा परमे दी थी उससे। अच्छा अब आप मुझे बताओ आपको दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पे जाके रुकेगा, तो एस बराबर 1/2 mv² बटा एफ। अब मुझे आप बताओ जरा गौर से, अब मुझे आप बताओ, एक ट्रक है एक कार है, ट्रक का मास ज्यादा होगा कार का मास कम होगा, यानी मास सेम नहीं है, समान वेग से गतिशील है, वेलोसिटी सेम है, काटते मेरे भाई, ब्रेक लगाएंगे तो दोनों पे ब्रेक यानी बल समान लगेगा, यानी फोर्स सेम है,
यानी मैं कहूं कि एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एम। अगर द्रव्यमान ज्यादा तो दूरी भी ज्यादा, द्रव्यमान कम मास कम तो दूरी भी कम। यानी ट्रक विराम में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, गलत। कार विराम में आने से पहले कम दूरी, जी हाँ कार की दूरी कम होगी क्योंकि कार का मास कम है तो दूरी कम होगी, ऑप्शन बी। ट्रक और कार समान दूरी कतई नहीं, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, ऑप्शन बी। भाई साहब ये है टॉप जहरीले सवाल, सच बता रहा हूँ, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में इसको स्कैन कर लेना, बहुत खतरनाक सवाल होने वाला बेटा। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपका, शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 56। देखिए बेटा फटाफट से फोड़ दो, जल्दी 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 फास्ट। 56, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में ओर्सेनिक या शुद्धि मिलाने पे, अरे ओर्सेनिक है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब नेगेटिव, धो डाला रे बढ़िया लेवल से नेगेटिव, यानी ऑर्सेनिक का इंप्यूरिटी मिलाया जर्मेनियम में, जैसे ही ऑर्सेनिक मिलाया उसकी वैलेंसी 5 थी, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, देखो फटाफट से, शाबाश। अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है कतई जहर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज, जल्दी करो, और यार टाइम स्टार्ट नहीं किया, सॉरी 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 भाई सॉरी, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है केवल और केवल, शाबाश शाबाश। अरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन केवल सॉलिड में उत्पन्न होती है, रस्सी को खींचते हो तो रस्सी की लेंथ बढ़ जाती है, सॉलिड में पानी को खींचोगे पानी का लेंथ बढ़ जाएगा, गैस को खींचो गैस का लेंथ बढ़ जाएगा, कतई नहीं, यानी ओनली फॉर ओनली सॉलिड के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये सवाल रिपीट होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में फोड़ेगा बार बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, इसका किसके द्वारा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर वेव, अगर मैं कहूं, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है वो केवल ट्रांसवर्स वेव का ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं, यही कारण है कि साउंड वेव का कभी पोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाय 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 क्या बात है, हलवा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, लाइक करो बेटा जल्दी से, 5K लाइक फटाफट, 5K लाइक करो बेटा फटाफट से, जल्दी से जल्दी 5K लाइक करने हैं आपको, फास्ट अपना ये टारगेट रहेगा बेटा। फारेनहाइट स्केल पे परम शून्य ताप का मान, अगर अपन ये कहें कि फारेनहाइट स्केल है तो उसका परम शून्य ताप कितना होगा, तो वो आपको याद रखना होगा, बड़ा खतरनाक सवाल बना दिया गुरुजी, ये सवाल तो अपना बैंड बजा देगा, मतलब डायरेक्ट अगर अपन रट्टा मार लें या फिर इसको सॉल्व करें। अब आप बताओ परम शून्य ताप, अगर परम शून्य ताप को अपन केल्विन के रूप में डिफाइन करें, तो बेटा एक बार इसको सॉल्व करके याद कर लेते हैं, यहाँ पे 180 होता है, और अगर अपन बात करें फारेनहाइट हो गया, परम शून्य ताप अगर अपन केल्विन की बात करें तो के माइनस 273 बटा केल्विन में कितना आता है, 100 आता है। एक काम कर लेते हैं, इसको 9 से काट लेते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं, और केल्विन में परम शून्य ताप पे कितना होगा बेटा, 0 रखेंगे केल्विन में परम शून्य ताप पे, तो एक काम करो इसको कैलकुलेट कर लो, एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर के का वैल्यू, परम शून्य ताप बोला ना 0 केल्विन, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, और माइनस का 273 बटा 5। एक काम करो बेटा, एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर ऊपर माइनस का 273 बटा नीचे कितना है बेटा, नीचे कितना है 5, तो बेटा एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ माइनस 32 बराबर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27, 2 9 63 और 2 65 5 6 9 2 18 और 6 24, 57 बटा 5 भाग लगाओ बेटा, ये हो जाएगा बेटा 5 4 20, 4 45, 5 9 45 और 5 9 45, 5 6 20 45 और 5 1 5 लगभग 491 आ रहे हैं बेटा, और वो किसका है बेटा, वो किसका है, माइनस का है, ये माइनस का है, तो f बराबर बेटा 491 माइनस का और 32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये किसके आंसर के आसपास लगभग आ रहा है बेटा, 460 के आसपास, वो भी माइनस का आएगा बेटा,
बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो गई है। ये सवाल यहाँ पे अपने को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। ये सवाल अगर ले रहे हैं तो केवल और केवल डायरेक्ट याद रखने के लिए। जैसे परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, वैसे फारेनहाइट में परम शून्य ताप 460 डिग्री फारेनहाइट। आप इसको डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखेंगे मेरे शेर, एग्रीमेंट कमेंट में। जी हाँ सर, हम याद रखेंगे डायरेक्ट, नहीं करेंगे ये कैलकुलेशन, क्योंकि परम शून्य ताप फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कतई नहीं होगा चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। देन आप डायरेक्ट याद रख लेना, अपना टाइम बचा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बेटा, किसी कुंडली में स्वप्रेरित एल का वही महत्व है। होए होए होए, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बात है, कतई जहर हो रहे हो गुरु जी। ओ भाई साहब, विरोध करता है, कौन करता है? लीनियर मोशन में कौन? मास। मोशन करना चाहो तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। क्या कॉन्सेप्ट है? मास। सेम चीज यहां पे इंडक्टेंस में होती है, प्रेरकत्व में होती है। विरोध करता है, बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाने नहीं देगा, घटाना चाहते हो घटाने नहीं देगा, यानी इंडक्टेंस। तो यहां पे जो इंडक्टेंस की दोस्ती, अगर इसको कंपेयर करोगे लीनियर मोशन में, तो वह किसके साथ कंपेयर होगा? मास के साथ। लीनियर मोशन में मास, और यहां पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, यस, चलो आगे आ जाओ। तीव्रता का अनुपात दिया है, मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है। इस सवाल को तो छोड़ नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, और ना पेपर वाले छोड़ सकते, ये गारंटी मैं देता हूं। ना पेपर वाले छोड़ सकते और ना हम इसको छोड़ सकते। देखो बेटा, वो तीन चार टाइप के सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। बेटा आई मैक्सिमा बटा आई मिनिमा, देखो पहले मैक्सिमा पूछा है ना। जी हाँ, अगर आपको इंटेंसिटी देके मैक्सिमा मिनिमा पूछे, तो बेटा उसको निकालने का तरीका अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर मैक्सिमा। अगर मिनिमा निकालना तो अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। अंडर रूट आई वन 9 का अंडर रूट कितना आएगा? 3। अंडर रूट आई टू 2 का अंडर रूट कितना आएगा? सॉरी 4 का अंडर रूट कितना आएगा? 2 का होल स्क्वायर। बटा अंडर रूट आई वन 9 का अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट आई टू 4 का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 3 2 5 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, 25 अनुपात 1। अरे मेरे भाई क्या बात है, ऑप्शन सी कितने बच्चों ने फोड़ा है। यही चीज करनी है आपको, करके दिखानी है, करके दिखाएंगे। जिद है वर्दी की, लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आगे आ जाओ, देखो बेटा, एलसीआर परिपथ में श्रेणी अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और एक्सी के बीच संबंध। होए होए होए, रेजोनेंशियल कंडीशन में तो इनकी क्या ही बताऊं, क्या प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, ये खतरनाक है भाई, कतई जहर है। खूब मेकअप किया है आपसे गलत करवाने के लिए इसने, खूब। लेकिन बच्चा जो समझदार है वो समझ गया, एक्स एल बराबर एक्सी, रेजोनेंशियल कंडीशन, रेजोनेंशियल कंडीशन। अब इसको तुम चाहे ऐसे लिख दो, एक्स एल बटा एक्सी बराबर एक का हमें पागल समझा है गुरु जी, ना रे ना बेटा, तुम फोड़ दोगे इसको। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63। समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या बनाएगी? वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन देन सुपरपोज्ड प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करेगी? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा। सेम फ्रिक्वेंसी की दो वेव एक ही डायरेक्शन में चलते हुए अगर अध्यारोपित होती है तो वह क्या करती है बेटा? इंटरफेरेंस का फिनोमेनन यानी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करेगा, डिस्ट्रक्टिव विनाश करेगा, यानी व्यतिकरण। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट। लिख रहे हो ना कितना गलत कितना सही, पता तभी चलेगा बेटा अपनी तैयारी का, ऐसे अंधी तैयारी मत करो, और जितना रिवीजन कर लो उतना कम है मेरे भाई, अभी बचे हुए टाइम में। 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन बल दबाकर रखा जाता है। बेटा ये सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, शाबाश, सवाल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जल्दी देखिए बेटा, शाबाश। घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल को समझो, ये कोई दीवार है और यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिस पे आपने बल लगाया, कितना न्यूटन? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल इस पे लगा दिया। इसका मास है 2 kg, इसका भार हो जाएगा बेटा mg, और जितना भार नीचे लगेगा मेरे भाई ऊपर की तरफ वो क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो ये घर्षण बल किसके साथ बैलेंस होगा? भार के साथ बैलेंस होगा।
बार एम कितना 2, जी का वैल्यू 10, 10 दूना 20 न्यूटन, 20 न्यूटन कहाँ पे है, होए होए होए, ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। संचार निकाय में किस स्थान पे सौर सिग्नल को अधिक प्रभावित है, तो यार मैं बता चुका हूँ आपको फटाफट, ऑप्शन बी, ये तो रिपीट हो गया, माफी चाहते हैं आपका सवाल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओए होए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन। आदर्श गैस की विशेष ऊष्मा का मान ताप वृद्धि पे, जल्दी करो बेटा जल्दी करो, आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जाए बाढ़ में, आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ताप पे निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से इकाई आवर्धन की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो यह होगा, दर्पण से इकाई आवर्धन की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो यह होगा, कहां होगा ये देखिए। देखिए बेटा, इकाई आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब, हाय 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 हाय, और ये क्या बता रहा है, मिरर। बेटा सोचना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाना, ये है आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखा तो उसी ऊंचाई का प्रतिबिंब बन गया। मैग्नीफिकेशन पावर m बराबर i अपॉन o, अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो तो उसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 होता है, लेकिन ये माइनस का 1 होगा, क्यों, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है, लेकिन रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है बेटा। कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, नहीं तो हम ये भी लगा लेते, प्लेन मिरर भी लगा लेते, क्योंकि प्लेन मिरर के आगे जो वस्तु होती है उसका उसी आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 होता है, लेकिन प्लस का 1 होता है, लेकिन ये इमेज रियल नहीं होती, तो प्लेन नहीं लगा सकते, अवतल दर्पण लगा देंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, आया मजा, जबरदस्त सवाल, कंपैरिजन फुल कॉन्सेप्ट के साथ में, प्लेन क्यों नहीं आया, कॉनकेव क्यों आया, रीजन आपके पास है, इसके लिए माइनस का 1 होता है, इसके लिए प्लस का 1 होता है, बहुत बढ़िया, जहरीला सवाल है रे ऑप्टिक्स का। प्रत्यावर्ती एसी मुख्य धारा 220 वोल्ट पे शिखर मान पे होगी, चलो बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रत्यावर्ती एसी मुख्य 220 वोल्ट पर शिखर धारा का मान होगा, अरे का गुरु जी डायरेक्ट पता है 311 वोल्ट, घरों पे जो लाइट आती है उसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है VRMS, वो होती है बेटा 220 वोल्ट, पीक वैल्यू होती है गुरु जी, हमें पता है 311 वोल्ट, 310 लगा दो, क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे कैलकुलेट और ना करना है, टाइम ही नहीं है, क्यों कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशन की एंट्री, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, 5K लाइक्स करने हैं आपको, इफर डालो, सभी बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किए बेटा लाइक करो एक बार, आपका सपोर्ट आपका प्यार, जल्दी से इसका पार्ट 2 लेके आएंगे आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि मैंने तो बोला ही है आपके प्यार में कोई कमी नहीं है तो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, और अगर आपके प्यार में कमी भी है तो सर हम पीछे नहीं हटने वाले, हम आपके लिए यूं ही खड़े रहेंगे, हमने जिस बात से आपका प्रॉमिस कर दिया है, हम बेटा जो प्लान आपके पास लेके आते हैं उसको हम पहले ही 1 वीक पहले ही अपने बोर्ड पे लिख देते हैं कि मुझे ऐसा करके देना है, हमें पता है कब आपको फॉर्मूले रिवाइज करवाने हैं, कब आपके महामॉक टेस्ट कंटिन्यू करने हैं, कब आपके फॉर्मूले के साथ अपन प्रैक्टिस करवाएंगे, कब आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाएंगे, सारी चीज़ें प्लान करके रखी हुई है, समय समय पर सब होगा, एक सिस्टम से होगा, क्योंकि हम सिस्टम बना के आपको देंगे, आप हमें सिस्टम बना के नहीं दे सकते, क्योंकि आप हम सिस्टम बनाए और हम ही उस सिस्टम के हिसाब से वर्क नहीं करें तो फिर क्या हम आपको क्या ज्ञान देंगे, सिस्टम के हिसाब से आपको काम करके देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सिस्टमेटिक पढ़ाई हो रही है, मेरी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, यही चीज है। किसी ग्रह की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी ग्रह की त्रिज्या आधी कर दी जाए बेटा तो क्या होने वाला वहां पे, अगर रेडियस हाफ कर दी आपने, रेडियस हाफ कर दी, मास नो चेंज है तो जी का मान, अरे मेरे भाई जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, अगर मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, आर को आधा करेंगे, आर बटा दो, दो का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 गुना 4 गुना डी, बेटा
अपने मास को कांस्टेंट किया है ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। नहीं तो अगर डेंसिटी को कांस्टेंट करते तो जी का फॉर्मूला लगाते 4/3 pi ρg r वाला, तो पता है त्रिज्या आधी करने पे यहाँ पे जी भी आधा हो जाता अगर डेंसिटी की बात होती तो। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70 बेटा, हमारी टीम का एक ही मकसद YouTube पे कोई आके पूछे कि अगर मुझे पढ़ना है रेगुलर रूटीन से, सिस्टम से पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, वह कौन है, तो बच्चे बच्चे के जवान पे एक ही नाम हो, टीम आरएस सर। ये हमारा मकसद है और करके दिखाएंगे, करके देंगे आपको। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन या नन ऑफ दीज, सोच के देखना एक बार, क्योंकि सरफेस टेंशन और जैसे प्रेशर पे आओगे आपका दिमाग ठनक जाएगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूम जाएगा, बोला क्या करूं। जब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आओगे तब भी ये सारे के सारे टेंसर क्वांटिटी है। जिगरा चाहिए ऑप्शन डी लगाने के लिए, जिगरा, क्योंकि उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, नन ऑफ दीज, ये सब टेंसर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर नहीं है इनमें, ये सब टेंसर है। होए होए, क्लास को आगे करूँ इससे पहले बेटा प्रैक्टिस में आपको देखो आगे अगला सवाल है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, क्लास के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसका कोई अपडेट नहीं है। मंडे से एक और आपका इंग्लिश का, कल वाले मॉक टेस्ट में देखा इंग्लिश में बैंड बजी पड़ी है, 10-10 नंबर आ रहे हैं बच्चों के बीच में से, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, 30 मिनट, सुबह 7 से 7:30 होता है, अब शाम को 6:30 से 7, 30 मिनट का एक मॉक टेस्ट और हम स्टार्ट करें इंग्लिश का, सोमवार से शाम को 6:30 से 7 डेली होगा, यानी अब इंग्लिश के आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे बेटा, इंग्लिश के आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे, एक सुबह होता है बेटा 7 से 7:30 और एक होता है आपका शाम को 6:30 से 7, 2 मॉक टेस्ट होंगे, 30 मिनट का ये होगा, 30 मिनट का ये, 1 घंटा 2 मॉक टेस्ट आपके डेली इंग्लिश के आपको देने हैं, अब कुछ भी हो डेली करना है। ओके चलो देखो बेटा आगे बात करते हैं, एप बराबर 100 न्यूटन, आवेश क्यू बराबर 2 कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे मेरे भाई ई बराबर एफ बटा क्यू, 100 न्यूटन, क्यू का वैल्यू 2, 50 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फटाफट देखो बेटा विद्युत विभव प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु के परत से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति जुड़ जा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, लपेटेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पे निर्भर, प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है, यार ये तो सही बात बोल रहा है, निर्भर नहीं करती है, सही बोला, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती है, करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के, अरे डिपेंड नहीं करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता, अरे डिपेंड नहीं करती है, पहली बात इसने कतई दिल की बात बोल दी, जो आपका इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से, यानी पहली बात इसने सही बोली है, कतई जहर बोली है, गतिज ऊर्जा तीव्रता पे थोड़ी डिपेंड करती है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्लियर है बेटा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका 72, ओके शाबाश बेटा। इस इंटेंसिटी की फैमिली में कितने लोग हैं, 2, इंटेंसिटी और करंट, और उसमें बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया, वहाँ पे एनर्जी हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका जिसे बोलते हैं आपका वर्क फंक्शन हो गया, कार्य फलन ऊर्जा हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, बहुत सारे लोग हैं, कट ऑफ पोटेंशियल है, इसमें ये 2 ही लोग हैं, इसमें केवल 2 लोग हैं। देखो एम द्रव्यमान की एक वस्तु वी वेग से दीवार से टकराती है, अच्छी बात है, टकरा के उसी चाल से वापस आती है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन, अब क्या बोलूँ मैं, अगर गलत किया तो पाप लगेगा, मतलब मेहनत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं करते बेटा, गलत नहीं करना, ये दीवार, ये एक बॉल आई, ये बॉल वी वेग के साथ में आई, तो जब आई तो उसका मोमेंटम एम वी था, उसी वेग से उसी चाल से वापस लौट गई, अब इसका मोमेंटम उसी डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, इस तरफ आ गया है, तो चेंज इन मोमेंटम बेटा डेल पी बराबर पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, यानी एफ लिख लो, पी इनिशियल कितना बेटा एम वी, और पी फाइनल माइनस फॉर्मूले का, और माइनस डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस ऑलरेडी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस एम बी और एम बी बेटा 2 MB, 2 MB, बच्चा 0 नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे 0 पे क्लिक कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसा मत करो, ऐसी गलतियां मत करो, बहुत दिक्कत होने वाली है बेटा, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ऐसी गलतियां मत करो मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किसी माध्यम से तरंग गति की तीव्रता निर्भर करती है, किसी माध्यम से
तरंग की तीव्रता निर्भर करती है। तीव्रता आ रही है यार, क्या रे मजाक कर रहे हो गुरु जी है? क्या मजाक कर रहे हो सर? देखो बेटा, इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है आपके एम्पलीट्यूड के। और एक चीज और आ रही है, माध्यम से तरंग की तीव्रता, एन भी तो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, एन भी आएगा, ऑप्शन सी, माध्यम में तरंग की तीव्रता। बेटा ये आपके वेव एंड साउंड वाले चैप्टर से, वेव एंड साउंड वाले चैप्टर से बेटा ये आप कहीं आप इसको वेव ऑप्टिक्स में ले जाओ। वेव ऑप्टिक्स में जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये साउंड के लिए बेटा, ये साउंड के लिए जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन, सी बेटा, सी। बहुत ये साउंड वाले चैप्टर से आपका वेव ऑप्टिक्स से नहीं है। वेव ऑप्टिक्स से होता तो ये होता बेटा। ओके, यह बात याद रखनी है आपको। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 75। कुछ जुगाड़ लेके आए हैं आपके लिए, कुछ जुगाड़ लेके आए हैं आपके लिए। अंगूर खाने, किसी को अंगूर खाने? इंड्यूस्ड चार्ज निकालना भाई। डेल क्यू बराबर डेल फाई बटा आर, सॉरी डेल फाई बटा आर। अगर एन दिया तो एन लगाओ। एन कितना? एन नहीं दिया, हटाओ ना। फ्लक्स में चेंज कितना होता है? 2 से 10, 10 माइनस 2 यानी 8। प्रतिरोध आर कितना है? 4 ओम, 4 दुनिया 8, 2 कूलाम। 2 कूलाम कहाँ पे आंसर? अरे आंसर ही नहीं आ रहा। 4 बटा 8 डेल फाई, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाहित आवेश ही तो पूछ रहा है ना। 2 कूलाम तो इसमें वही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ गड़बड़ हो रही है बेटा? देखो चेक करो, आर कहाँ गड़बड़ हो रही है? आर का वैल्यू 2 ओम, 8, 10 माइनस 2, 8, 8 आर का वैल्यू। सॉरी, 4 कूलाम। ओके बेटा, गलत वैल्यू रख दिया, 4 ओम रख दिया। यहाँ पे जो आंसर आना था वो यहाँ पे रख दिया है, तो ऑप्शन आपका आ गया बेटा सी। सी सही है बेटा, 2 ओम ही है, माफी चाहते हैं, प्रतिरोध आपका, तो ये कटेगा तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वैल्यू गलत पुट कर दिया था। रेडियो प्रसारण के लिए भारत में प्रयुक्त मॉड्यूलेशन है, यस फिक्स है। अपने इंडिया की अभी तरक्की हो रही है, अभी तरक्की हो रही है, आगे भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए बेटा फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेटा, ओनली अभी इसी पे वर्क चल रहा है बेटा अपने इंडिया के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे जरा चेक करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ानी है चेक करो बेटा फटाफट से। शाबाश, देखिए बेटा समझते हैं। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, धारिता बढ़ानी है, प्लेटों का विभवांतर बढ़ाएं, प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दें। गलत, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, दूरी बढ़ा देंगे तो घट जाएगा। प्लेटों के माध्य प्लेटों के बीच माध्यम की धारिता रख दें, प्लेटों का विभवांतर बढ़ाएंगे, विभवांतर पे तो डिपेंड नहीं करेगा। डी प्लेटों के बीच मध्य सी एम बराबर सी के, अगर प्राविद्युतांक रखेंगे तो धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ानी है ना। यस ऑप्शन डी बेटा, धारिता बढ़ानी है, प्लेटों के बीच में मीडियम रखो, सी एम बराबर सी के माध्यम के लिए। जल्दी बताओ, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार संधारित्र के छोटे गोले को अपवर्तित रखकर बड़े गोले की त्रिज्या बढ़ा दें तो धारिता। ओए होए होए क्या बात है। देखो बेटा अगला सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 78। बेटा सबसे पहले गोलाकार संधारित्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πε0 ऊपर गुणा त्रिज्याओं का नीचे अंतर। कुछ याद आया बेटा? चलो जी, आपने क्या किया, छोटे गोले को अपरिवर्तित रखा, बड़े गोले की त्रिज्या बढ़ा दी। अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो अंतर बढ़ेगा, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ये अंतर बढ़ेगा, और अंतर बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
क्या बात है, क्योंकि बेटा बड़े वाले गोले की त्रिज्या बढ़ गई, तो बताओ ये अंतर बढ़ेगा ना, और अगर बट्टे में कोई राशि बढ़ती है तो सामने वाली राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बेटा गलत कर दिया ए, नहीं। अरे अगर मान लो ए आपने बड़े वाले गोले की त्रिज्या बढ़ा दी, तो अब जो ये अंतर आएगा वो अंतर बड़ा आएगा, इसकी वजह से घटेगा। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर बढ़ रहा है ऊपर गुणा भी तो रहा है। बेटा वो गुणा में डिवाइड में, डिवाइड और गुणा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किसी को गुणा करना उसको डिवाइड करना, बैंड बजा देता है डिवाइड गुणा के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होगी। कितना बल लगेगा, ये कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा। देखो सवाल को समझो बेटा, सबसे पहले ये आवेश था यहाँ पे, ये आवेश था यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी थी बेटा 0.06 मीटर, है ना। अब इसको यहाँ पे किसका दिया, यहाँ पे 0.1 किस गया 0.01, तो बीच की दूरी बचेगी 0.04, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बल लगेगा बेटा, एफ बराबर आपका के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एक चीज क्लियर है, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो बेटा F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा यार, बस ये चीज समझो आप। तो अब इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, तो F टू बटा एफ वन बराबर बेटा R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। R1 पहले कितना था बेटा, बीच की दूरी 0.06, अभी दूरी कितनी है 0.04, इसका होल स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। आपको F2 निकालना है, F1 कितना था बेटा पहले वाला बल 5 न्यूटन, तो F1 को मल्टीप्लाई करो 5 × 6 / 11 6 × 30 / 4 728, 2 बच गया शेष, तो 20 × 4 = 20 7.5 न्यूटन आ रहा है। 6 × 30, अरे स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर है गुरुजी, स्क्वायर है, स्क्वायर है F2 / F1 बराबर 6 × 36 / 4 × 16। इसको यहीं पे काट दो ना यार, 3/2 करो, 3 का स्क्वायर करो आप 9 और 2 का स्क्वायर 4, 5 से मल्टीप्लाई करो 9 × 5 = 45, 9 × 5/4 9 × 5 = 45/4 यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा, भी आएगा, भी आएगा, अपन स्क्वायर नहीं कर रहे थे, स्क्वायर यहाँ पे बच गया साइड में, छुपा हुआ स्क्वायर था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, देखो बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 80 जल्दी से। तांबे के ऐसे दो तार जिनकी लंबाइयों अर्धव्यास की त्रिज्याओं का अनुपात यह है, दोनों तारों पर समान बल लगाया जाता है, दोनों में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति की निष्पत्ति, अनुदैर्ध्य विकृति पूछ रहा बेटा, बड़ा गजब का सवाल है। इस तरीके के सवालों को आपको डील करना पड़ेगा फुल दिमाग के साथ में। आप मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो, यस और नो। अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स अपॉन एरिया, अगर मैं बोलूँ कि पाई आर स्क्वायर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो आपका स्ट्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। देख लो जरा सामने लंबाई जाए भाड़ में, मैं तो इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो बेटा त्रिज्या की जो विकृतियाँ हैं S1/S2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। चलो त्रिज्याओं का अनुपात कहाँ है, ये लंबाई है, हो ये आपका ये लंबाई आ गई, ये त्रिज्या 1:4। चलो इसको उल्टो 4/1 का होल स्क्वायर, 4/1 चार का स्क्वायर 16/1, 16/1 यानी ऑप्शन आपका बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। बेटा एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, एग्जाम में पूछ लिया गया बेटा ये सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा बेटा अगर आइडियल है तो उसका कोई करंट उसके पास नहीं आना चाहिए, यानी उसका प्रतिरोध हमें इनफाइनाइट कर देना चाहिए, अनंत कर देना चाहिए। आइडियल अगर एमीटर है उसका प्रतिरोध हमेशा जीरो माना जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, अगर आइडियल एमीटर है तो जीरो, अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो इनफाइनाइट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डी फोड़ो रे मेरे लाल, वाह 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 शाबाश, ये हुई ना बात। अरे पहला पहली बॉल खेलने के लिए आया है, लास्ट बॉल खेल के जा रहा है, मैन ऑफ द मैच उसी को मिलने वाला है, क्योंकि वो स्कोर फोड़ के जाने वाला है। स्टार्टिंग सब करते हैं लेकिन विकेट उखड़ते जाते हैं, जो टिक गया
जो डर गया वो घर गया, और जो टिक गया वो फोड़ गया। ये चीज़ प्रूव करके देनी है आपको। M1, M2, M3 द्रव्यमान के तीन भिन्न भिन्न वस्तुएं, तीन भिन्न भिन्न प्रकार के घर्षण विहीन मार्ग पर एक ही बिंदु यानी रेस्ट से गिरना प्रारंभ करती है। पृथ्वी पर पहुंचने पर वेगों का अनुपात, ओए होए होए, वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी v डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास डिफरेंट डिफरेंट है तो अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक। ऑप्शन सी आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन सी आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ, ऑप्शन सी आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अरे मास पे डिपेंड नहीं करता मेरे भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83, देखिए बेटा फटाफट से। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण, ये भी पेपर में आया हुआ बेटा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? जल्दी देखो बेटा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है इसलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अंतरिक्ष यान में बैठे हुए एक एस्ट्रोनॉट को यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आसमान, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट नहीं है, वहां पे लाइट का क्या नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता, वो काला दिखता है। वो भी पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। 10 kg का एक गुटका नत समतल पर रखा है, जब झुकाव कोण 30 डिग्री है, गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर दें तो स्थितिक घर्षण बल होगा। अच्छा जी, स्थितिक घर्षण बल, भाई साहब टॉप लेवल पे कॉन्सेप्ट बनवा लिया गुरुजी। मतलब जहर वाले सवाल तो बचा ही रखे थे बेटा। ये इसका, मैं इसको थोड़ा कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। ये इसका mg है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट थीटा होगा, तो ये होगा mg cos थीटा, ये आपका r है, और अगर ये बात करें तो ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। ये क्या होगा, mg sin थीटा, और ये इसका घर्षण बल लगेगा इस तरफ। आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की बात पूछी, वो भी स्टैटिक की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा Fs बराबर mg sin थीटा। m का वैल्यू 10 kg, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, या kg वोट में ले रहे हैं, केजी वोट में ले रहे हैं। साइन थीटा, साइन तीस का वैल्यू कितना होगा, 1/2, तो ये तो 5 kg वोट हो जाएगा, 5 kg वोट, ऑप्शन डी आ रहा है। मैंने 10 का वैल्यू, जी का वैल्यू क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि आंसर बेटा केजी वोट में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात आपको समझनी होगी। जी हाँ, जी का वैल्यू पुट नहीं करना, कहीं तुम 50 करो फिर उसको वापस कन्वर्ट करो फिर उसको वापस बदलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जहरीले सवाल है, हल्के में लेने की गलती मत करना, हल्के में रहने की गलती कतई नहीं करना बेटा। देखो, शाबाश, किसी प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य निर्भर करता है। क्या बात है, क्या बात है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, किया गया कार्य किस पे डिपेंड करता है, ये वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल, फाइनल और पाथ दोनों पे। इनिशियल, क्योंकि वर्क डन की बात हो रही है बेटा, किए गए कार्य की बात हो रही है, तो वर्क डन इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और पाथ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है। यदि कोई वस्तु कई असरेखीय बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में हो तो न्यूनतम बलों की संख्या, ओए ओए ओए, बेटा इस सवाल पे बहुत मेहनत की है मैंने, लॉ ऑफ मोशन में, गलत मत करना भाई, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, याद रखना बेटा। नॉन कोप्लेनर है, असरेखीय बल है ना, यहाँ पे कोलिनियर जो फोर्स है, नॉन कोलिनियर फोर्स है, यानी एक बल इधर से आ रहा है, एक बल इधर से आ रहा है, एक बल इधर से कम मिनिमम 3 फोर्स चाहिए, कम से कम 3 फोर्स चाहिए अगर वो आपका नॉन कोलिनियर है। अगर लीनियर है तो बेटा एक बल इधर से आएगा, एक इधर से, 2 से काम चल जाएगा। अगर लीनियर हुआ तो 2, और अगर नॉन कोलिनियर हुआ तो ऑप्शन बी। भाई साहब इन सवालों को टॉप पे रखना, इस तरीके के सवाल पेपर में बहुत रिपीट होंगे, इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए, बच्चे इस तरीके के सवाल बहुत गलत करेंगे, देखना बेटा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर। दो समस्थानिक तत्व ए और बी को द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 14 और 16 है, यदि ए के परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है, बी के परमाणु में, अरे यार का घुमा रहे हो गोल गोल, सीधे सीधे का नहीं बोल देते हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते।
दो समझता नहीं क्या, आइसोटोप है यार। चलो ए एक लेते हैं, एक बी लेते हैं। आइसोटोप का मतलब समझते हो, उसका परमाणु क्रमांक सेम है ना। एक की द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा, 14। इसकी 14 मान लो, एक की द्रव्यमान संख्या 14 और बी की 16, इसकी 16 है। अच्छा एक के परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 7 है। हाय हाय, यानी इसका परमाणु क्रमांक 7 है। अगर समस्थानिक है, आइसोटोप है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी 7 है, यानी इसमें भी प्रोटॉन 7 है। और अगर प्रोटॉन 7 है तो फिर न्यूट्रॉन कितना बच गया, 16 - 7 यानी 9। तो बी के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कहाँ बच रहा है, 9। ऑप्शन सी। देखो बेटा जुगाड़ से करना पड़ेगा, तुक्काबाजी मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाना नहीं, एक सिस्टम से रखो, जैसा कह रहा है वैसा करो। आंसर बोलते ना झक मार के पीछे आएगा, बोला मैं ही आंसर हूँ भाई, छोड़ दो मुझे। हैं शाबाश, अगले सवाल पे बात करते हैं। लेंज का नियम जिस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता हुआ है, लेंज लो उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उन कारणों का विरोध करे जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। लेंस लो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ट है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल स्थिर, ओए गाड़ी की छत आ गई, छोड़ने का नहीं, दौड़ा दौड़ा के फोड़ने का, दौड़ा दौड़ा के फोड़ने का बेटा। मैं अंगूर खा रहा हूँ, आप भी खा सकते हैं ना, आपको भी छुट्टी है। बड़ा गजब क्वेश्चन है, गाड़ी पेंडुलम यहाँ पे था और लोलक का आवर्तकाल टी है, जब गाड़ी एक समान त्वरण, ओहो गाड़ी जब ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो पेंडुलम ए एक्सेलरेशन से पीछे चला जाएगा। पेंडुलम पे जी नीचे लगेगा, यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आपको क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो। टी बराबर 2π अंडर रूट एल बटा जी, जी आगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी जी इफेक्टिव बढ़ गया तो टी घट गया, का दिक्कत है, अरे कहाँ है, घट गया। ऑप्शन बी, बस अपना सिस्टम से वर्क करो, सिस्टम से काम करो। हाँ इसमें सवाल में मेकअप करके दे देगा, याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है तो बेटा नो चेंज है, तब क्या आएगा फिर सी आ जाएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वही सवाल मेकअप करके दे देगा आपको। यदि कोई वस्तु स्थिर होती है तो, यदि कोई वस्तु स्थिर होती है तो बेटा, बेटा 5k लाइक्स करने मेरे लाल, जल्दी करो, होने वाले हैं 5k लाइक्स, रिकॉर्ड बन जाएगा अपना। आरएसआर की क्लास में पहली बार 5000 लाइक एक बार होते हैं क्लास में, वर्षों में देखने को मिलता है ऐसा, कभी होली कभी दीपावली पे होता है ऐसा है, पहली बार 5000 लाइक्स होने वाले हैं क्लास में। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, वस्तु पे लगने वाले बल उसे स्पर्श नहीं करते, वस्तु पे लगने वाले बल एक दूसरे को, यस बल तो लग सकता है लेकिन वो बल हो सकता है उसको बैलेंस कर रहे हो, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर है। अब बच्चा ये सोच लेगा सर वस्तु स्थिर है, ये वस्तु स्थिर है तो इस पे भार लग रहा है ना, सर स्थिर वस्तु है तो इस पे बल कहां लग रहा है, यानी ये भी तो सही है, ये वस्तु रखी है बेटा, ये धरातल पे रखी है, इसका भार है मुझे नीचे लग रहा है, बल लग रहा है जो कि बैलेंस है, किसके द्वारा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा, तो ये बैलेंस बोल ना, ये मत बोल कि बल नहीं लग रहा, बैलेंस बोल मेरे भाई, ये फिजिक्स है गुरुजी, फिजिक्स है ना, मजा आएगा। दो धातु के गोले जिन पर हवे समान है किंतु त्रिज्या अलग अलग है, एक मोटा एक पतला, आपस में टच करवा दिया है, अलग कर दिया तो उन दोनों पे विभव, अरे भाई जैसे ही टच करवाया दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, यानी ये एक छोटा गोला ये एक बड़ा गोला, जैसे ही वायर से कनेक्ट किया गया दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, यानी दोनों ने विभव को कांस्टेंट कर लिया, विभव को इक्वल कर लिया, सेम कर लिया। अब जब जुदा भी होंगे तो विभव सेम ही होगा उनका, पहले जैसा था दोनों गोलों पे, छोटे पे ज़्यादा, छोटे गोले का ज़्यादा होगा विभव,
पहले जैसे होगा छोटे पे ज्यादा, बड़े पे ज्यादा, दोनों पे सेम होगा। कहाँ जा रहे हो तुम यार? ऑप्शन डी इक्वल होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। अरे मेरे भाई सी नहीं आएगा रे, जब उनको वायर से कनेक्ट कर देंगे ना तो दोनों का विभव समान हो जाएगा मेरे भाई, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और विभव, चार्ज का पुनर्वितरण जब तक चलेगा जब तक विभव बराबर नहीं हो जाता, ऑप्शन डी। ओके हाँ रे, लंबी दूरी के लघु तरंग शॉर्ट वेव प्रसारण में प्रयुक्त संचरण की विधा है। लंबी दूरी तक शॉर्ट वेव प्रोपोगेशन के लिए कौन सी आपको सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो यूज में लेना चाहिए, जल्दी से बताओ। फिक्स सवाल है भाई, मैं बता चुका हूँ आपको पहले से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। डायरेक्ट वेव, डायरेक्ट वेव सीधी तरंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओए होए ग्राफ का क्वेश्चन आया, एक समान गति कौन सा ग्राफ बताता है, पस जाएंगे, लपेट देंगे, फोड़ देंगे, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। बेटा पहली चीज तो ये ग्राफ है किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म है गति तो मेरे भाई ग्राफ स्लोप स्ट्रेट होना चाहिए, जरूरी नहीं हो यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या ये स्ट्रेट है? जी हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नहीं है, ये अरे नहीं है, इसमें तो मोशन ही नहीं हो रहा मेरे भाई। हाँ ये देखो, यहां तक यूनिफॉर्म था लेकिन बाद में डायरेक्शन चेंज हो गया है, देखो विस्थापन में कमी हो रही है, ये गया और फिर वापस वहां से वापस लौट रहा है, अब नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन यहां पे गड़बड़ कर दिया इसने, तो सी नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94। अरे उड़ा दिए 100 क्वेश्चन का, टेंशन ले रहे हो, उड़ा दिए बेटा उड़ा दिए, बहुत अच्छे शाबाश। समांतर पट्टिका के बीच वायु माध्यम बदलकर पराविद्युत पदार्थ रख दें। धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा दी, अगर बीच में माध्यम रखेंगे तो धारिता बढ़ती है, सी एम बराबर सी के, धारिता बढ़ती है, लेकिन पूछ क्या रहा है मेरे लाल? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो जनरल फॉर्मूला था लेकिन सुनने में आया है कि ई एम बराबर ई बटा के, परावैद्युतांक रखने से धारिता घट जाएगी। ओहो गुरु जी क्या मेकअप है, जी हाँ कोई सा ही सवाल आ सकता है, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, फोड़ के रखना है। अगला सवाल केपलर का द्वितीय नियम, अरे यार बहुत काम की चीज है बेटा केपलर सेकेंड लॉ, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। केपलर का सेकेंड लॉ किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ये सवाल आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण पे वर्क करता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। कल से आपके बेटा इंग्लिश की मॉक टेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी है, दो मॉक टेस्ट लगा दिए क्योंकि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपका स्कोर इंप्रूव होगा, सुबह 7 से 7:30 और शाम को 6:30 से 7, दो मॉक टेस्ट आपके लगवा दिए 30-30 मिनट के, फुल स्पीड में आओ फोड़ के जाओ खत्म, फुल स्पीड में आओ फोड़ के जाओ खत्म। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर ओए होए 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 एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होने वाला है भाई साहब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन रुक जाता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर परम शून्य ताप की बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है अणु है उनका मोशन रुक जाता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 97, क्वेश्चन नंबर आपका 97। निम्न कथन सही है, ध्वनि तरंगे, अरे यार है क्या बात है सही स्टेटमेंट निकालना है क्या राइट स्टेटमेंट निकालना है बेटा, गलत मत करना,
राइट स्टेट में निकालना है। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहला गलत। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉट ट्रांसवर्स, तो वैक्यूम में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चलेगी। सोलिड में गैस तेजी से, जी हाँ सोलिड में गैस से तेजी से चलती है, सोलिड में ज़्यादा तेज चलती है साउंड, ये बात सही बोली है इसने, सही है। और ध्रुवों में गैस की मंद गति से चलती है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, तो कम नहीं चलती लिक्विड में, गैस से ज़्यादा सबसे कम गैस, तो डी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल, गति करती है तो, अरे यार है गुरुजी, ऐसा सवाल ना करवाया करो, क्योंकि हमें आता है, और जो हमें आता है वो तो पेपर में आएगा ही नहीं, पेपर में तो वो आएगा जो हमें नहीं आता, तो जो हमें नहीं आता वो कराओ, क्योंकि पेपर में वही आएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट। गतिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको अपन बोल रहे हैं, गतिक घर्षण बोल रहे हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 बेटा, 10 बुक एक बार, एक बुक 10 बार, अब एक बुक को 10 बार करने की बारी है, 10 बुक को एक बार करने के चक्कर में बैंड बज जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी बेटा। अब एक बुक को 10 बार करने की बारी है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, बस। बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्ष की परमाणु त्रिज्या आर नोट है तो चौथे ऑर्बिट की त्रिज्या होगी बेटा, एन स्क्वायर आर होता है चार, फोर्थ ऑर्बिट की पूछ लिया बेटा, तो आर एन का वैल्यू चार, चार का स्क्वायर 16, तो 16 आर नोट, 16 आर नोट कहाँ पे, ऑप्शन डी में। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन आपका, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता था, लेकिन सवाल देख के देने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बेटा, नहीं मैं होमवर्क के लिए देता है ये सवाल आपको। जब किसी धारित्र की समांतर पट्टिकाएं जो बैटरी से जुड़ी हुई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी से आपने जोड़ के रखा हुआ है, प्लस और माइनस यानी करंट फ्लो हो रहा है इसमें, पट्टी का के जुड़ी है के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की स्लेब, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की स्लेब रख दी है के परावैद्युतांक की, तो पट्टिकाओं के ऊपर आवेश पहले आवेश की कंपैरिजन में है। वाह भाई वाह, जैसे ही स्लेब रखोगे मेरे भाई, मुझे तो ये बता दो कि सी एम बराबर सी के होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, जैसे ही अपना स्लेब रखेंगे धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इतना बता दो, फिर आगे मैं सलट लूंगा। आप कहोगे जी हाँ, परावैद्युतांक रखने पे धारिता बढ़ती है। अब धारिता क्या है, आवेशों को धारण करने की क्षमता, यानी धारण करने की क्षमता बढ़ गई और बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, देखना कहाँ है, ये रहा बैटरी कनेक्टेड है, धारण करने की क्षमता बढ़ गई, बैटरी जुड़ी हुई है, तो जो बैटरी के चार्ज थे वो देख रहे बाट कि कब मेरे को बुलाएं, धारिता बढ़ गई, धारण करने की क्षमता बढ़ गई, और बैटरी वो कैपेसिटर क्या कहता है, आ जाओ चार्ज और आ जाओ, जगह हो गई है, धारण करने की क्षमता बढ़ गई है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो और चार्ज आ जाएंगे, तो अब चार्ज बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो अब जो चार्ज है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सर जी एक सवाल और था जो आपने हमें बताया था, बैटरी को हटा देते हैं तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। ये दो सवाल यहां से बनेंगे और बड़े जहरीले सवाल बनेंगे। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, एक बार कमेंट पे रिप्लाई करो, लाइक पे रिप्लाई करो, लगभग 552 लाइक आपने ठोक दिए मेरे शेरों, ये जुनून जज्बा बनाए रखो, अभी तो हमने रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया है, अभी तो आपने हमारा जुनून देखा ही कहां है, अभी तो आपने जुनून देखा है कहाँ। अगर आपको लगता है कि हमने अपनी 100% एबिलिटी लगा दी है, तो ये मान के चलना हमारा अभी जो एबिलिटी है वो 60-70% है, और हम जब 100% एबिलिटी पे आ जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या तूफान आया है। ठीक है, इस क्लास का स्कोर आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ये पार्ट वन था टॉप 500 का, मेरे जस्ट बाद में अभी मुकेश सर आ रहे हैं, और मुकेश सर आएंगे आपकी क्लास लेंगे,
एक बजे, ये 11 बजे नहीं है बेटा, 1 बजे ये क्लास है मुकेश सर की, आज 1 बजे होगी। रफ्तार सीरीज है, सर्कल टॉपिक होगा, एक ही क्लास में सर्कल को फिनिश करेंगे। संडे स्पेशल में रफ्तार सीरीज में लेक्चर नंबर आपका 17 होगा, सारे बच्चे मिल जाएंगे इस क्लास में। और मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये टॉप 500 राफेल सीरीज का अपडेट वर्जन है, और ये टॉप 500 का पहला लेक्चर मेरे शेयर हो चुका है। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका दूसरा लेक्चर बहुत जल्दी अनाउंस होगा मेरे शेयरों के लिए। और ये प्यार और सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपका तहे दिल से आभारी हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अभी लाइक करना भूल गए, लाइक जरूर करके जाना, और नए बच्चे जुड़े वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मुझे यकीन नहीं था कि मैं 2 घंटे के अंदर क्लास को उड़ा दूंगा, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट और केवल क्लास 1 घंटे 50 मिनट उड़ा दिया, 110 मिनट में। सच बता रहा हूं, पहली बार मैं खुश हो रहा हूं कि मैंने मेरे टारगेट से पहले क्लास को फिनिश कर दिया। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद मेरे शेरों, तैयारी को अलग ही लेवल पे लेके जाओ। पेपर तो हम फोड़ के आएंगे, बस बेटा बचे हुए टाइम पे लगा दो अपने 100% एबिलिटी। हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगा दो। बाय बाय बेटा, जय हिंद।